तो दोस्तों माइक्रोनी बनाने के लिए हम पानी डालेंगे, थोड़ा पानी को गरम करेंगे और इसमें माइक्रोनी को हम उबाल देंगे पानी में। इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसको थोड़े देर हम उबलने देंगे। इसको हम अब ढक देंगे, इसको हम ढक के और 8 से 10 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे माइक्रोनी को, ताकि अच्छे से ये उबल जाए। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं हमारी मैक्रोनी पकी कि नहीं। तो देखिए ये हमारी मैक्रोनी अच्छे से बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, जो इसका हमारा शेप था उसके ये डबल शेप हो गया है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इसको इसमें से पानी निकाल लेंगे। अब हम माइक्रोनी को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको हम गरम होने देंगे। गरम होने के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा डाल के और फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है थोड़ा सा। अब इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाला। और हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको हल्का सा हम, और बारीक कटी हुई मिर्च हमने इसमें डाला थोड़ा सा। टेस्ट के अनुसार आप जितने मिर्च डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब हम प्याज को थोड़ा रेड होने तक भूनेंगे। अब ये मेरा भून चुका, अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर डाल दिया। अब इसको भी हम थोड़ा पका लेंगे, थोड़ी देर 2 मिनट तक ढक के इसको हम पका लेंगे। तो ये हमारा टमाटर भी पक चुका है। अब इसमें हमारी जो ये हमारा अब टमाटर पक चुका है, अब जो हमने माइक्रोनी उबाला था उसको डालेंगे। तो ये हमने माइक्रोनी डाल दिया। अगर आप रस्सा वाला बनाना चाहते हैं, सूप वाला माइक्रोनी, तो आप थोड़ा पानी बढ़ा करके डाल दीजिए। और अगर आप सूखा बनाना चाहते हैं तो आपको हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना होगा, ताकि थोड़ा हमारा मसाला भून जाए अच्छे से। इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी इसमें रहना चाहिए। तो जो हमने पानी उबाला था उसी में थोड़ा सा रख दिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाला है 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून हम इसमें धनिया डाल रहे हैं। स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। थोड़ा सा इसमें हम हरी कटी हुई बारीक धनिया डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी ये सूखी हुई है तो इसलिए हम इसको 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे ढक करके थोड़ा सा। इससे हमारा स्वाद थोड़ा टेस्टी हो जाता है, धनिया से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा माइक्रोनी तैयार हो गया टेस्टी टेस्टी। कैसा लगा आज का रेसिपी? माइक्रोनी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।